हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आपका आज के हमारे नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग में। आज बहुत टाइम के बाद हम लेकर आए हैं आप सबके लिए एक काफ़ी मज़ेदार व्लॉग, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम गए थे पटना के ट्रेडिशनल थाली रेस्टोरेंट घूमर में, जो कि है राजा बाज़ार में, और इसका पूरा एड्रेस मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप हैं एक राजस्थानी लवर, आपको पसंद है वहाँ का वाइब्स, वहाँ का फूड, तो ऑफ़ कोर्स ये वीडियो आप सबके लिए है। और अगर आप वहाँ के ट्रेडिशनल फूड और वहाँ के वाइब्स से वाकिफ़ नहीं हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी प्रॉफिटेबल ये वीडियो आप सबके लिए होने वाला है। घूमर एक ट्रेडिशनल थाली रेस्टोरेंट है जहाँ पे चलता है हर दिन बफ़े, और हर दिन बफ़े का मेन्यू अलग रहता है। आज फ्राइडे था तो हमारा कुछ ऐसा बफ़े था, और सारी की सारे डिशेस जो थी वो राजस्थान की ट्रेडिशनल डिशेस इंक्लूड की हुई थी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अगर आप यहाँ पर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करवाना चाहते हैं तो वो भी आप ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं, और अगर आप अपनी सीट रिज़र्व करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप अपनी सीट, आपका टेबल यहाँ पर रिज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर करते ही आपको राजस्थान की पगड़ी से ग्रीट किया जाएगा, आपको यहाँ पर राजस्थान की पगड़ी जो है वो पहनाई जाएगी, और यहाँ पर आपके एंटरटेनमेंट के लिए बजाया जाएगा ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक सॉन्ग, जो कि काफ़ी सूथिंग था। और यहाँ पर आ गया है हम लोगों का खाना। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ड्रिंक में दिया हुआ था पाइनएप्पल शरबत, हरा धनिया का छाछ, स्टार्टर में था यहाँ पे कोटा कचौड़ी, दही बड़ा, चावली चाट। अगर मैं बात करूँ यहाँ के मेन कोर्स की तो मेन कोर्स में था हरियाली पनीर, वेज कोफ्ता की सब्ज़ी, दाल तड़का, जयपुरी कढ़ी, आलू टमाटर रसवाला, जोधपुरी गट्टा, जीरा राइस, खिचड़ो, मोठ का बाजरेरा। ट्रेडिशनल डेलिकेसी ऑफ राजस्थान में इंक्लूडेड था क्रिस्पी बाटी, दाल, घूमर स्पेशल, मावा चूरमा, जो कि काफ़ी टेस्टी था। और इंडियन ब्रेड्स में आता है आपका सादी रोटी, ज्वार रोटी और मक्का की रोटी। स्वीट्स की बात करें तो यहाँ पर साबूदाना की खीर और केसरिया जलेबी हम लोगों को दिया गया था। सैलेड यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ था, और बाकी चीज़ों में आपका हरी चटनी यहाँ पर इंक्लूडेड था, पापड़ इंक्लूडेड था, और मीठा चटनी भी इंक्लूडेड था। खाना यहाँ का बहुत टेस्टी था। आई कैन बेट कि आपको यहाँ पर जाने के बाद रिग्रेट नहीं होगा। यहाँ की सर्विसिंग, यहाँ का इंटीरियर, यहाँ का फूड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट यहाँ पर था। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आपको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ यहाँ पर जाना चाहिए, एक नए एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहिए, एंड यू विल रियली गोना टू लाइक इट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।